हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका एक बार फिर से मॉडर्न विलेज लाइफ में। तो आज बनाते हैं कुछ मीठा जो थोड़ा डिफरेंट होगा और इसे आप दिवाली में भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए कच्चा नारियल को छोटे टुकड़ों में काट कर डाला है मिक्सी के जार में, साथ में मलाई वाली दूध डालकर पीस लेंगे। इस तरह से एक खुले पैन में देसी घी लेंगे और उसमें कुछ मेवा जात काट करके डाले हैं, इसे गोल्डन फ्राई करके निकाल लेंगे इस तरह से। और अब फिर से घी में 4 इलायची कूट कर डाला है, 100 ग्राम सूजी डाला है। इसे भूनेंगे मीडियम फ्लेम में, अच्छे से खुशबू आने लगे तो इसे निकाल लेंगे। और अब पिसा हुआ नारियल को डाल देते हैं उसी पैन में। अब इसे भूनना है। शुरू में ये थोड़ा रनी सा हो जाएगा यानी गीला हो जाएगा, लेकिन मीडियम फ्लेम में इसे चलाते हुए भूनते जाना है। बहुत ही जल्दी आसानी से बन जाने वाला ये मीठा है और बहुत ही स्वादिष्ट। तो दूध सूख चुका है, इस स्टेज में डालेंगे चीनी। 4 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर से मिला लेते हैं और जब चीनी पिघल जाए कुछ इस तरह से, तो इस स्टेज में डालेंगे भुना हुआ सूजी और मेवाजात को, और अब फिर से मिलाते जाएंगे। करीब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं सूजी के साथ भूनते हुए। तो अब डालेंगे कुछ केसर के धागे, साथ में फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है। और अब फिर से अच्छे से 3 से 4 मिनट इसे चलाएंगे मीडियम और मीडियम टू लो फ्लेम में। इसे आप बर्फी के शेप डालकर काट भी सकते हैं और हलवा के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। केसर के वजह से आपको इलायची का पाउडर डालने का जरूरत नहीं है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। चलिए, एक छोटे कंटेनर में हमने घी लगाया है और अब थोड़े मिश्रण को डाल करके इस तरह से सेट कर देते हैं ताकि बर्फी का शेप दे सके। अब कट लगा लेते हैं। और दूसरी तरफ आप हलवा के तौर पर भी इस तरह से सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार और आसान। ट्राई कीजिए, रेसिपी पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब कीजिए। दिवाली एंजॉय कीजिए।